Hello everyone, this is Vinayak and today I'm going to teach you science of class 4. Your chapter 4, adaptations in plants. So focus on me carefully and your chapter 4, adaptations in plants. Adaptations in plants. So the headlines of this chapter is adaptations in plants, and in this chapter you will learn about some main points. Adaptations in terrestrial plants. Your first point is adaptations in terrestrial plants. Your second point is adaptations in aquatic plants. And the next point is unusual adaptations. Fourth point is fungi. And our fifth point is plants of grass family. So guys, in this chapter we will learn about some main points, and our first point is adaptations in terrestrial plants. So before it, your first question is in the Curious Curie. Why desert does not have forest? So I'm going to study about the first topic on adaptation in terrestrial plants. So guys, focus on me carefully. Plants are found at various places on the earth. We know that different places have different environmental conditions, soil, etc. We know that the हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधे जो हैं कई जगहों पर, हर जगहों पर पाए जाते हैं, और अलग अलग तरह के जगहों पर अलग अलग तरह का पर्यावरणीय प्रभाव होता है, या फिर वहाँ की मिट्टियाँ होती है जिससे अलग अलग तरह के पौधे अलग अलग तरह के जगहों पर देखे जाते हैं. For an example, environmental condition in the desert is different from the mountains, hills or plains. हम लोग एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि desert का, मरुस्थलों का जो पर्यावरणीय प्रभाव है वो पहाड़ी क्षेत्रों से या फिर समतल क्षेत्रों से कुछ अलग देखा जाता है. वहाँ के कुछ conditions अलग हैं, अवस्थाएं अलग हैं, वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है. तो इसलिए दूसरे प्लांट्स जो है दूसरे जगहों पे अलग तौर पर वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते. इसीलिए हम लोग हर तरह के पौधे एक ही जगहों पर नहीं देखते, क्योंकि वो उसके पर्यावरण के प्रभाव के कारण अलग अलग जगहों को वो अपने चुनता है. सो प्लांट्स एनवायरमेंट हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स.
पर्यावरण का पेड़ पौधों पर सीधे रूप से अपना एक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उस क्षेत्र में देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। सो प्लांट्स मेक एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स टू मीट देयर नीड्स। द प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच अ प्लांट बिकम सुइटेबल टू सर्वाइव इन इट्स एनवायरमेंट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। एक ऐसी अवस्था जिसमें पेड़ पौधे पर्यावरणीय रूप से अपने आप को सर्वाइव करते हैं, वो उसका अनुकूलन कहलाता है। अडेप्टेशंस मीन्स अनुकूलन। और पेड़ पौधों का क्षेत्र उनका आवास कहलाता है, जहाँ पर ये लोग रहते हैं। और ये अडेप्टेशन अनुकूलन अपरिवर्तनीय है, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं देखा जाता। तो हर तरह के पौधे जो है दूसरे स्थानों पर अक्सर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का क्षेत्र, वहाँ के कंडीशंस, सब कुछ उन पेड़ पौधों के लायक होता है, या फिर दूसरे पेड़ पौधे उनसे अलग कंडीशन अपने सर्वाइवल के लिए चुनते हैं। सो बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द टू मेजर कैटेगरीज। इनके आवास के तौर पर पौधों को दो तरह से मुख्य तौर पर बांटा गया है। एक तो टेरेस्ट्रियल है, दूसरे हो गए एक्वाटिक। सो टेरेस्ट्रियल उस तरह के पौधे हैं, इनको जमीनी पौधे भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये सारे पौधे जमीन पर देखे जाते हैं, जमीनों वाले क्षेत्र में देखे जाते हैं, चाहे डिजर्ट्स में हो, हिल्स में हो, प्लेन्स में हो। और दूसरा जो होता है, दूसरा जो मुख्य इसका वो दूसरा भाग है, एक्वाटिक प्लांट्स, जो कि अक्सर पानी वाले क्षेत्रों में या फिर पानी में, पानी के अंदर, पानी के ऊपर देखे जाते हैं। सो दिस प्लांट्स अंडरगो डिफरेंट एडेप्टेशंस सुइटेबल फॉर देयर हैबिटेट्स। और ये पेड़ पौधे अपने आवास के तौर पर, आवास के अनुसार जो है अपने अंदर अनुकूल, अपने क्षेत्र के लायक, अपने पर्यावरण के रूप में अपने आप को उस जगह के, उस क्षेत्र के लिए अनुकूल बनाते हैं। सो अब हम इसके पहले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सो जब हम एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करते हैं, तो टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड प्लांट्स। सो जब हम जमीनी पौधों की बात करते हैं कि जमीनी पौधों में किस तरह से अनुकूलन देखा जाता है, तो द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को पहले हम समझते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है क्या। वैसे पौधे जो जमीन पर उगते हैं, जमीन पर ग्रो करते हैं, वैसे पौधे आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में आते हैं, जिनको जमीनी पौधे भी कहा जाता है। इनको लैंड प्लांट्स भी कहा जा सकता है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर फ्रॉम फॉलोइंग। अलग अलग तरह के जमीनी पौधों की जब हम बात करते हैं, तो ये अलग अलग तरह के क्षेत्रों में देखे जाते हैं, जमीन पर, जमीनी वाले क्षेत्रों में देखे जाते हैं। जैसे प्लांट्स ऑफ हिली एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों में जो पौधे देखे जाते हैं। दूसरे हैं प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, समतल क्षेत्रों में जो पौधे होते हैं। प्लांट्स ऑफ कोस्टल एरियाज, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में जो पौधे देखे जाते हैं। प्लांट्स ऑफ डेजर्ट्स, मरुस्थलों में जब पौधे देखे जाते हैं। और अंतिम मेथड्स जो है प्लांट्स ऑफ मर्सी एरियाज और दलदल वाले क्षेत्रों में जो पौधे उगते हैं। तो इनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, प्लांट्स ऑफ हिली एरियाज, प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, प्लांट्स ऑफ कोस्टल एरियाज, प्लांट्स ऑफ डेजर्ट्स और प्लांट्स ऑफ मर्सी एरियाज। तो इसमें से सबसे पहले हम इसके फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है प्लांट्स ऑफ हिली एरियाज, कि पर्वत वाले, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में किस तरह के पौधे अक्सर देखे जाते हैं, और वहाँ पर पर्यावरण अपना प्रभाव किस तरह से डालता है। तो वो अपने आप को, कोई पेड़ पौधे अपने आप को उस क्षेत्र में किस तरह से अपने आप को अनुकूल बना लेता है। सो जब हम प्लांट्स इन हिली एरियाज की बात करते हैं, Thank you.
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. इनको भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी पांच भागों में बांटा गया है. जब हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करते हैं तो इनको भी पांच भागों में बांटा गया है. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स प्लांट्स ग्रो इन हिली एरियाज. और हिल्स माउंटेन्स एक्सेट्रा. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन प्लेन्स. प्लांट्स ऑफ प्लेन्स plants of plains तीसरा जो है plants of coastal areas. plants of coastal areas Fourth one is plants of deserts. Then in last plants of marshy areas. सो गाइस टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी पांच भागों में टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी पांच भागों में बांटा गया है. उस तरह के पौधे जो अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में देखे जाते हैं. फिर दूसरे जो है उस तरह के पौधे जो समतल क्षेत्रों में देखे जाते हैं. फिर उस तरह के पौधे जो समुद्रों महासागरों के किनारों में पाए जाते हैं. फिर उस तरह का क्षेत्र जो उस तरह के पौधे जो मरुस्थलों में देखे जाते हैं. और उस तरह के पौधे जो अक्सर आपको दलदलों में देखे जाते हैं, गीले क्षेत्रों में देखे जाते हैं. तो सबसे पहले हम लोग प्लांट्स ग्रो इन हिली एरियाज की बात करते हैं कि किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में पौधे अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं और किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों को अपने अनुसार अपने अनुकूल बना लेते हैं. सो द टेम्परेचर इन हिली एरियाज लाइक शिमला मनाली दार्जिलिंग वेरीज फ्रॉम कोल्ड टू एक्सट्रीमली कोल्ड. जब भी हम लोग दार्जिलिंग मनाली शिमला की बात करते हैं तो वहाँ का तापमान जो है काफ़ी कम होता है, जिसके अनुसार वहाँ पर आपको शंकुकार के पौधे अक्सर देखे जाते हैं. सो द कनिफर ट्रीज हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव विथ एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस. सो वहाँ पर शंकुधर या फिर शंकुकार पौधे जिनको कि कैनिफरस कहा जाता है. सो उस तरह के पौधे आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं और उस तरह का पौधा भी वहाँ पर उन ठंडे वाले जगहों पर बहुत अधिक ठंडा होना वहाँ पर पाया जाना उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि जब भी वहाँ पर शंकुकार के पौधे पाए जाते हैं तो उनसे एक फ़ायदा मिलता है. वो फ़ायदा जो होता है कि ये पौधे हमेशा ही अपने ऊपर से बर्फ के टुकड़े को आसानी से नीचे की ओर गिरा देता है. इसलिए हमेशा ही इन क्षेत्रों में ज़्यादातर ठंडे वाले क्षेत्रों में हमेशा ही शंकुकार पौधे पाए जाते हैं. सो वी फाइंड कैनिफरस फॉरेस्ट इन दिस प्लेस. हमेशा ही जब भी हम लोग शिमला दार्जिलिंग मनाली की बात करते हैं जो कि स्थल काफ़ी अधिक ठंडे पाए जाते हैं उनमें हमेशा ही हम लोग शंकुधर या फिर शंकुधारी पौधे पाते जंगल देखते हैं.
सो द एडेप्टेड फीचर्स इन प्लांट्स फाउंड ऑन हिल्स आर, इनमें क्या अनुकूलन होती है, ये किस तरह से अपने आप को अनुकूल बनाते हैं जो पौधे हिल्स पहाड़ी क्षेत्रों में देखे जाते हैं, इन्हें हम लोग जानते हैं। इसके इसमें जो खास बातें होती है, ट्रीज आर कॉनिकल एंड टॉल। सबसे पहले तो यहाँ के पौधे जो होते हैं वह शंकुकार होते हैं और काफ़ी लंबे होते हैं। द स्लोपिंग शेप्स ऑफ ट्रीज मेक्स नो द स्लिप ऑफ फ्रॉम ब्रांचेस इजिली, और इनके शंकुकार जो इस पौधे के ब्रांचेस होते हैं, टहनियाँ होती है, वो आसानी से उस ठंडे एरियाज में बर्फ को नीचे की ओर लाने में मदद करते हैं। तो ये भी एक तरीका हुआ। इसके दूसरे जो कारण है, इसके इसमें जो खास बात होती है, इसके पत्ते काफ़ी पतले होते हैं, निडल लाइक, सो दे हैव फेवर स्टोमाटा, और इनमें सबसे कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में स्टोमाटा पाया जाता है। सो सच लीव्स आर वाटर प्रूफ एंड दे अलाउ विंड टू इजिली पास थ्रू देम, और इनके पत्ते जो होते हैं वो बिल्कुल वैक्सीकॉटेड होते हैं, और इसलिए ये पत्ते आसानी से विंड को फ्लो करने में या फिर विंड को निकालने में, पास होने में आसानी से मदद करते हैं। सो इसका तीसरा जो खासियत है, कनिफर्स ट्री सच इज स्प्रूस पाइन फर डोडर एंड सैडर डू नॉट सेट देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर। जब भी हम लोग कॉनिकल फॉरेस्ट या फिर कनिफरस फॉरेस्ट या फिर कॉनिकल ट्रीज की बात करते हैं, तो इनमें कुछ खास बातें होती हैं। ये ट्रीज, ये पौधे हमेशा ही सदाबहार होते हैं, मतलब एवरग्रीन होते हैं, ये सालों भर अपने पत्ते को नहीं छोड़ते, जिसके कारण कि सालों भर इनके पेड़ जो होते हैं वह हरे होते हैं, और ये अपने लिप्स, ये अपने पत्तों को कभी नहीं छोड़ते। हैंस वी कॉल देम एवरग्रीन ट्रीज, यही कारण है कि इन्हें सदाबहार वृक्ष या फिर पौधे कहे जाते हैं। जब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तो इसका अगला टर्म है, दे आर यूजुअली फ्लावरलेस। तो इस तरह के पौधे जो होते हैं उनमें अक्सर फूल नहीं देखे जाते, दे बियर ओडी कोन्स इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स, ये हमेशा ही लकड़ी नुमा कोनिये फ्लावर्स के बदले वो एक स्टिंग अपने अंदर से बाहर करता है। सो कोन्स बियर द सीड, और ये कोन्स जो होते हैं, ये कोनिये भाग जो होते हैं, वही इसमें बीज का काम करता है, बीज निकालने का काम करता है, जिससे कि दूसरे पौधे वहाँ पर पनपने शुरू होते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यह हमारा पहला टॉपिक था प्लांट्स ऑफ हिली एरियाज। इसमें थोड़ी सी हम एक बार रिपीटेशन के लिए जा रहे हैं। सो इनके जो इनमें जो खास बातें जो देखे जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, इनका सबसे पहला जो होता है, सबसे पहले ये कोनिये होते हैं, ताकि इससे बर्फ, जब भी बर्फ की बारी हो यहाँ पर, तो ये आसानी से उस कोनिये रूप से बर्फ जब भी इस पौधे पर गिरे तो वहाँ उस पर अटक ना जाए, इसलिए ईजली नीचे की ओर आ जाए, ताकि ये पेड़ पौधे आसानी से उस क्षेत्र में सर्वाइव कर सके, ये इसमें खास बात। दूसरी जो खास बात होती है, ये पौधे काफ़ी लंबे होते हैं और स्लोपिंग होते हैं, तिरछे होते हैं, ढलवा होते हैं। दूसरे जो होते हैं, इसके लिप्स हमेशा ही निडल होते हैं, निडल शेप्ड होते हैं, पतले होते हैं, और आसानी से वायु को पास करने में, वायु को जाने देने में मददगार होते हैं। तीसरे, हमेशा ही हिल्स एरिया में होने वाले पौधे जो हैं वो एवरग्रीन पाए जाते हैं, सदाबहार पाए जाते हैं, क्योंकि ये अपने पत्तों को नहीं छोड़ते, और इनमें अक्सर फूलों के बदले आपको कोन्स देखे जाते हैं, वो कोन्स सीड्स के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, जिनमें जिनको कि ये पौधे अक्सर फ्लावरलेस कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें फूल नहीं देखा जाता। तो कोई किसी भी पौधे के फूल जो होते हैं या फिर फल जो होते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ताकि उस एक पौधे से कई सारे पौधे हमारे जगत में आ सके। तो इसीलिए इसमें फ्लावर का काम जो है वो कोन्स करता है, जो कि इसमें फ्लावर रूपी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये उससे बीज बनाने का काम करता है। उसके बाद वही बीज हवा, पानी या फिर धूप के कारण
उसी क्षेत्र में फैल करके दूसरे पौधों को जन्म देते हैं। तो ये था प्लांट्स इन हिली एरियाज इन माउंटेन्स। सो गाइज, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंड टॉपिक्स, प्लांट्स ऑफ प्लेन्स। किस तरह से समतल जगहों पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं और वो पौधे अपने आप को उस तौर पर वहाँ के जलवायु में, वहाँ की मिट्टी में अपने आप को उसके अनुकूल बनाती है। इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द प्लेन्स इज नाइदर हॉट और कॉल्ड। सो यहाँ का पर्यावरण अवस्था जो होता है वो काफ़ी अधिक, ना ही अधिक गर्म होता है और ना ही अधिक ठंडा पाया जाता है। सो यहाँ पर समान रूप से टेम्परेचर देखे जाते हैं। इट इज रादर मॉडरेट द एडेप्टेड फीचर्स इन प्लांट्स फाउंड इन द प्लेन्स। ये आपको धीरे धीरे नियंत्रित मध्य श्रेणी का पाया जाता है इन प्लेन्स में देखे जाते हैं क्षेत्रों में। सो यहाँ के जो पौधे होते हैं वो किस तरह से अपने आप को यहाँ के लिए लायक बनाते हैं, इसमें क्या खास बातें होती है। दे हैव फ्लैट लीव्स विथ मेनी स्टोमाटा ऑन द लोअर सरफेस। इनके पत्ते जो होते हैं वह काफ़ी चौड़े होते हैं और इनमें जो स्टोमाटा पाया जाता है, जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, वो आपको इसके निचले सतहों में पाए जाते हैं। वाटर वेपर कम्स आउट थ्रू स्टोमाटा ड्यूरिंग हॉट डेज ऑफ समर मंथ्स टू कीप द प्लांट्स कूल। और हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के द्वारा, इन पत्तों के द्वारा जब ये वाष्पीकरण का काम करता है तो इन स्टोमाटा के द्वारा गर्मी के मौसम में ये पानी जो है, पानी के रूप में वाटर वेपर इस पत्तों से, इस पौधों से बाहर आता है, जो कि पौधों को पूरी तरह से ठंडा रखता है। इसके दूसरे मैटर में जब हम बात करते हैं, दे सेट देयर लिप्स वंस इन अ ईयर टू कट डाउन द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। और ये अपने पत्तों को सालाना एक बार इनमें पत्ते झड़ने जरूर चालू होते हैं, ताकि इनमें ट्रांसपिरेशन का जो प्रक्रिया है, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, वो हमेशा से रेगुलर रूप से चलता रहे और इन पौधों को उन हॉट या फिर कॉल्ड रीजन में आराम से सर्वाइवल के लायक बनाया जा सके। सो मैनी ट्रीज सेट देयर लिप्स ड्यूरिंग ऑटम और इन विंटर। दिस ट्रीज आर कॉल्ड डेसीडियस ट्रीज। ये सारे ट्रीज जो कि ऑटम के समय जाड़े में जब अपने पत्ते छोड़ना शुरू करते हैं, छोड़ते हैं, यही डेसीडियस ट्रीज जो है आपको पतनशील पौधे या फिर पतझड़ी पौधे जो है कहे जाते हैं। जब हम इसके नेक्स्ट टर्म्स की, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो ये ट्रीज अक्सर हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम लोग अपने घर के आसपास या फिर अपने आसपास पर्यावरण में अशोका ट्री, बनियान ट्री या मैंगो ट्री, आम के पौधों को देखते हैं, जो कि सालाना अपने पत्तों को छोड़ने का काम करता है जाड़े के मौसम में। सो ये थे आपके प्लांट्स ऑफ प्लेन्स। अब हम प्लांट्स ऑफ कोस्टल एरियाज की बात करते हैं। समुद्री किनारों में जो पेड़ पौधे वहाँ के लायक सर्वाइवल करते हैं, वहाँ के कंडीशंस को झेलते हैं और अपने आप को उस लायक बनाते हैं। सो द एनवायरमेंटल कंडीशंस नियर द सी इज़ नॉट ईजी फॉर द प्लांट्स। पेड़ पौधों के लिए जो पौधे समुद्रों या महासागरों के किनारे पाए जाते हैं, तो वहाँ के लिए वो कंडीशंस, वो अवस्थाएँ काफ़ी अधिक अनुकूल नहीं होते या फिर बहुत अधिक आसान नहीं होते, कठिन होते हैं पौधों को वहाँ पर सर्वाइव करना, क्योंकि उन्हें वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में बारिश झेलनी होती है। इसके साथ साथ वो साल्टी वाटर भी झेलते हैं, जो कि नमकीन पानी है, उसके साथ साथ तेज हवा और जो सैंडी सोयल होता है, बलवाही मिट्टी होता है, जो कि ग्रोथ के लिए बिल्कुल मध्यम है, उसमें किसी भी पौधे का ग्रोथ आसानी से नहीं हो सकता, कुछ ही पौधे उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, वो वहाँ पर देखे जाते हैं। और सबसे ख़राब मात्रा में वहाँ पर पौष्टिक तत्व देखे जाते हैं, जो कि पेड़ पौधे जमीन से प्राप्त करते हैं। तो द एडेप्टेड फीचर्स इन प्लांट्स फाउंड इन कोस्टल एरियाज, जो पौधे समुद्री किनारे या फिर
समुद्री किनारे या महासागर के किनारों में पाए जाते हैं, वहाँ पर देखे जाते हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को वहाँ पर सरवाइव करते हैं, उनमें क्या खास बात होती है? सो इसके फर्स्ट जो पॉइंट है, दे हैव वाटर प्रूफ लीव्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ड्राइंग आउट ड्यू टू साल्टी विंड्स। दूसरा जो इसको इसका कारण है, पहले कारण जो है इसके, इनमें वाटर प्रूफ लीव्स होते हैं जो कि पानी को अंदर जाने में रोकती है। दूसरे, देयर लीव्स समटाइम्स कर्ल एंड एट द एज सो दैट साल्टी वाटर रन्स ऑफ देम। इनके पत्ते जो होते हैं वो अक्सर घुंघशे होते हैं, दबे हुए होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर इसमें जो साल्टी वाटर होता है वो इससे आसानी से निकल जाते हैं। ये भी काफ़ी लंबे पाए जाते हैं क्योंकि हमने कोकोनट के ट्री को यहाँ पर देखा है। इसके साथ, देयर सीड्स आर कैरीड टू न्यू प्लेसेस बाय वाटर, वाटर हेल्प्स टू स्केटर सीड्स प्लांट्स ऑन कोस्टल एरियाज। और इनमें जब बीज होते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे का जन्म होता है, तो उसमें यहाँ पर पानी जो होते हैं समुद्रों में वो इसके काफ़ी ज़्यादा इसके लिए सहायक हो जाते हैं, क्योंकि वही पानी इनके बीजों को दूसरे स्थानों तक ले जाने में, या फिर पानी या फिर हवा वहाँ तक ले जाने में काफ़ी अधिक मदद करती है, क्योंकि समुद्र किनारों में भी हवा और पानी उस बीज को दूसरे वृक्ष को जन्म देने में काफ़ी ज़्यादा सहायक हो जाते हैं, ताकि वह उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं। इसके अगले जो टर्म्स हैं, दे हैव थिक फ्लैसी लीव्स दैट कैन होल्ड वाटर, और इनके जो पत्ते होते हैं वह बिल्कुल गुद्देदार और घने होते हैं, जो कि वाटर को ऑब्जर्व करने में, रोके रहने में काफ़ी मददगार सिद्ध होते हैं। दे डू नॉट सेट देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर्स हैंस रिमेन एवरग्रीन, और ये पूरे साल तक अपने पत्ते को नहीं छोड़ते, क्योंकि हम लोग अपने आसपास नारियल के पौधों को देखते हैं, वो पत्ते नहीं छोड़ते, इसीलिए ये हमेशा से ही एवरग्रीन में भी गिने जाते हैं, कोस्टल एरियाज के पौधे। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो रबर हो गए, पेपर हो गए, या फिर कोकोनट ट्रीज हो गए, ये सब कुछ एग्जाम्पल आते हैं आपको कोस्टल एरियाज में पाए जाने वाले पौधे में। तो इसकी कुछ खासियत होती है कि यहाँ के पौधे जो है काफ़ी, इनका सेप जो होता है वो अपने आप को उस तरह से सर्वाइव मिन करते हैं वहाँ पर, क्योंकि इनके पत्ते जो हमेशा देखे जाते हैं वो बिल्कुल कर्ल होते हैं, झुके हुए होते हैं, मुड़े होते हैं, जिसके कारण कि यहाँ से आसानी से इनमें जो साल्टी वाटर होता है वह बिल्कुल निकल जाता है और वहाँ पर उसके आसपास नहीं रहते, जिससे कि वो वहाँ पर इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। सो ये थे आपके अगले टॉपिक्स, प्लांट्स ऑफ कोस्टल एरियाज। अब हम प्लांट्स ऑफ डेजर्ट्स की बात करेंगे कि किस तरह से मरुस्थलों में पेड़ पौधे जो है अपने आप को उस वहाँ के अनुकूल बनाते हैं। सो जब हम मरुस्थलों में पेड़ पौधों की बात करते हैं, इन डिजर्ट्स देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल, वहाँ पर काफ़ी कम बारिश के कारण जो है वहाँ पर पेड़ पौधे भी देखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की काफ़ी अधिक कमी होती है। सो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बिटवीन डे एंड नाइट इज़ वेरी हाई, और दिन और रात के दौरान वहाँ पर तापमान का उतार चढ़ाव बिल्कुल चलता ही रहता है। सो इट इज़ वेरी हॉट इन अ डे एंड कॉल्ड एट नाइट, दिन में काफ़ी अधिक गर्मी और रात के समय में काफ़ी अधिक ठंडा पाया जाता है। सो द एडेप्टेड फीचर्स इन प्लांट्स फाउंड इन द डिजर्ट्स, यहाँ के पौधों में जो पेड़ पौधे आपको मरुस्थलों में देखे जाते हैं उनकी कुछ खास बातें होती हैं, ताकि वहाँ पर वो उसको अपने अनुकूल बना सके जगह को। उनमें जो खास बातें देखी जाती है वो पहले होते हैं कि प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट स्प्रेड आउट वाइड एंड डीप इन द सोइल ऑफ इन सर्च ऑफ वाटर। सो यहाँ के जो पौधे होते हैं इनके जड़ काफ़ी अधिक लंबे होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ कुछ पौधे जितने ऊपर देखे जाते हैं उतने ही उनके जड़ मरुस्थलों में नीचे पाए जाते हैं, ये भी कहा जाता है। और अक्सर ऐसे हम लोग
इसको डेट पल्म में देख सकते हैं कि डेट पल्म जो होता है, एक खजूर का पेड़ जो होता है, जो कि मरुस्थलों में पाए जाते हैं, वो अक्सर आपको जितने ऊपर होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनके जड़ उतने ही ज़्यादा वहाँ पर नीचे होते हैं, ताकि वो वाटर की, पानी की पूर्ति आसानी से कर सके। सो द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स गो एज मच एज 10 मीटर्स डीप। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं यहाँ पर जिनके जड़ 10 मीटर नीचे जाते ही वहाँ पर आसानी से पानी प्राप्त कर सकता है, लेकिन कुछ कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको कि काफ़ी अधिक लंबाई, काफ़ी अधिक अगर उनके जड़ नीचे की ओर ना जाए तो वहाँ पर वो पानी की प्राप्ति ना कर सकते, नहीं कर सकते हैं। सो कुछ पौधे में आपको ऐसा देखा जाता है, जैसे कि हम डेट पल्म की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि वो जितने ऊपर होते हैं उसके जड़ उतने ही ज़्यादा नीचे होते हैं पानी की ताक में, पानी की खोज में। सो दूसरा इसका मेन टर्म, अवैक्सी लेयर इज प्रेजेंट ऑन स्टीम एंड लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। और यहाँ पर जो मुलायम तत्व जो इनके तनों में मौजूद होता है, वो इनसे पानी के प्रभाव को बाहर आने में कम करता है, ताकि इनसे पानी की खपत जो है कम तौर पर हो सके, ताकि डेजर्ट्स वाले पौधे जो है, मरुस्थल में रहने वाले पौधे जो हैं, वो आसानी से यहाँ पर सर्वाइव कर सके। और इसी कारण से इनमें लिप्स वहाँ पर देखे नहीं जाते। जब भी हम लोग गौर से देखते हैं तो डेजर्ट्स मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधों में अक्सर पत्ते कम होते हैं, इसलिए शायद वहाँ पर कैक्टस के पौधे अधिक उगते देखते हैं, क्योंकि ये पौधे अपने अंदर से पानी की खपत बहुत कम करते हैं। इन पौधों से वाटर लॉस काफ़ी कम मात्रा में होता है, क्योंकि वही जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो करके, बदल करके, बिल्कुल तने में बदल जाता है, जिससे कि पानी जो है काफ़ी दिनों तक ये पेड़ पौधे अपने अंदर सिंचित रखते हैं, जमा रखते हैं, इकट्ठा रखते हैं, ताकि वो उसी पानी से भोजन बनाने का कार्य कर सके। सो अगर हम लोग इसके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, टू प्रिवेंट वाटर लॉस एंड टू सेव वाटर इन डेजर्ट्स, प्लांट्स लाइक कैक्टस लीव्स एंड मॉडिफाइड इनटू इट्स स्पाइन्स। मैंने आपको बताया कि बिल्कुल जब भी हम लोग डेजर्ट्स में, मरुस्थलों में होने वाले पौधों की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैक्टस उनमें से एक ऐसा पौधा है जो कि अपने स्पाइन्स को मॉडिफाइड करता है, लिप्स को मॉडिफाइड करके स्पाइन्स बनाता है। सो दे स्टोर वाटर इन द स्टीम विच बिकम्स फ्लेसी। इनमें जब भी हम लोग कैक्टस की बात करते हैं, तो इनमें हमेशा से ही हम लोग इनके स्टीम में पानी को इकट्ठा होते हुए पाते हैं, और इसीलिए इसके स्टीम जो होते हैं, इनका पूरा पौधा जो होता है वो हमेशा ही हरा दिखता है, और इनमें कम मात्रा में पत्तियां देखी जाती है, क्योंकि इनसे ट्रांसपिरेशन का काम जो है बहुत कम मात्रा में होता है यहाँ के पौधों में। सो द स्टीम ग्रीन हैम्स फोटोसाइंथेसिस इज कैरिड बाय द स्टीम। और उसके बाद यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण का काम होता है, जो भोजन बनाने का विधि है, जो भोजन बनाने की विधि है, वो यहाँ के पौधों में अक्सर तनों के द्वारा देखा जाता है, और जो पौधे अक्सर पत्तियाँ छोड़ते हैं वो पौधे पत्तियों के द्वारा अपना भोजन बनाने के कार्य को करते हैं, लेकिन कुछ पौधे यहाँ के जो स्टीम्स पर ही डिपेंड रहते हैं, जैसे कैक्टस, तो ऐसे पौधे यहाँ पर अपने स्टीम में पानी को इकट्ठा करके कई दिनों तक रखते हैं, जिसके कारण कि ये लोग आसानी से फोटोसाइंथेसिस का कार्य स्टीम के द्वारा तय कर लेते हैं, स्टीम के द्वारा पूरा करते हैं। अब अगर हम लोग अगले पॉइंट्स की ओर देखें, इन सम डिजर्ट प्लांट, कुछ मरुस्थल वाले पौधों में द स्टोमाटा आर फाउंड डीप इन टू द लीव्स। इसमें स्टोमाटा जो छोटे रंध्र होते हैं, स्टोमाटा छोटे जो छोटे छिद्र होते हैं, वह बिल्कुल पत्ते के बिल्कुल निचले या फिर अंदरूनी भाग में पाए जाते हैं, हैंस दे आर कॉल्ड संकेन स्टोमाटा। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है काफ़ी कम मात्रा में स्टोमाटा भी होता है, पत्तियों में देखा जाता है। सो दिस रिड्यूसेस वाटर लॉस थ्रू स्टोमाटा। यही कारण है कि यहाँ पर आपको ट्रांसपिरेशन का काम जो होता है यहाँ के पौधों में, यहाँ के पेड़ पौधों में काफ़ी कम मात्रा में होता है। सो इसीलिए यहाँ के पौधे आसानी से उस प्लेस में, उस क्षेत्र में सर्वाइव कर जाते हैं।
अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल के लिए बात करें तो कैक्टस हो गए, बबूल हो गए, डेट पल्म हो गए, कीकर हो गए, ये सब कुछ पौधे के एग्जाम्पल है जो मरुस्थलों में देखे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ बातें और भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जितने भी कांटेदार पौधे होते हैं जो कि मरुस्थलों में पाए जाते हैं, उन कांटेदार पौधों की यही खासियत होती है, दो खासियत होती है कि वो पौधे जब वहाँ पर पाए जाते हैं कांटेदार पौधे, तो किसी भी पौधे में कांटा का होना वह बिल्कुल उसको दो तरह से सेव करता है। एक तो वह उसको जानवरों से भी बचाता है, दूसरा जो उसका सेविंग है उसको, एक तो उसको जानवर नहीं खा पाते, दूसरे जो उनके सेविंग्स होते हैं वह उनसे ट्रांसपिरेशन का होना कम हो जाता है। तो बिल्कुल कांटे जो है वह उसके लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं यहाँ के पौधों के लिए। इसीलिए शायद हम लोग यहाँ पर मरुस्थलों में अक्सर कांटेदार पौधे ही पाए देखते हैं, पाए जाते हैं, ताकि इनमें पानी की कमी ना हो और यहाँ के कंडीशंस के अनुसार यहाँ पर ये आसानी से सर्वाइव कर सके। सो गाइस, ये था आपका प्लांट्स ऑफ डिजर्ट्स। अब हम लोग प्लांट्स ऑफ मर्सी एरियाज की बात करेंगे, दलदलों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सो प्लांट्स ऑफ मर्सी एरियाज, किस तरह से दलदल वाले क्षेत्रों में पेड़ पौधे देखे जाते हैं। मर्सी एरियाज हैव क्ले सोयल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। यहाँ पर इस जब भी हम लोग प्लांट्स ऑफ मर्सी एरियाज की बात करते हैं, दलदल वाले पौधों, दलदल में उगने वाले पौधों की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी चिकनी मिट्टी देखी जाती है यहाँ पर, जो कि काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखता है, बचा के रखता है, उसे ऑब्जर्व नहीं होने देता, जिसकी वजह से सच सोयल होल्ड अबंडेंट वाटर विच लीव्स नो स्पेस फॉर एयर बिटवीन द सोयल पार्टिकल्स। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ये यहाँ के प्लांट्स जो है वो अपने अंदर काफ़ी दिनों तक पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, और इनके पत्तों के बीच कोई बहुत अधिक स्पेस नहीं होता मिट्टियों के बीच। सो यहाँ के पौधे जो हैं अक्सर आपको मर्सी एरियाज में जो देखने वाले पौधे हैं, जो मिलने वाले पौधे हैं, इन पौधों की खासियत यही होती है कि कुछ पौधे यहाँ पर अपने रूट्स के द्वारा सांस लेने के काम करते हैं, सांस लेने का काम करते हैं, ये इनकी खासियत होती है। टू सर्वाइव सच कंडीशन द अडेप्टेशन इन प्लांट्स फाउंड इन मर्सी एरियाज इज, इनके फर्स्ट पॉइंट, सिंस रूट टिप्स डू नॉट गेट एयर दे ग्रो अबव द सोयल एंड वाटर टू ब्रेथ एयर। सो यहाँ पर जो हम लोग पौधों को देखते हैं वो अक्सर हमेशा ही मिट्टी के ऊपर पाए जाते हैं, जिनके जिनके वजह से इनको ब्रीथिंग करने में मिट्टी के नीचे नहीं होना पड़ता, तो इसीलिए वो आसानी से हवा के द्वारा जो है सांस लेने का काम करते हैं। और यही रूट्स जो होते हैं जो कि ज़मीन के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, बिल्कुल वही रूट्स इनमें ब्रीथिंग रूट्स का काम करता है, इनको ब्रीथिंग रूट्स भी कहे जाते हैं क्योंकि ये अपने जड़ों के द्वारा सांस लेने का कार्य करते हैं। सो द ट्रीज दैट ग्रो इन मर्सी एरियाज आर कॉल्ड मेन ग्रुप्स। यहाँ के जो पौधे होते हैं जो कि दलदलों में पाए जाते हैं, उनको मेन ग्रुप के नाम से जानते हैं हम लोग। सो फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन्स हैव सच ट्रीज। अगर हम लोग जंगलों की बात करें तो सुंदरबन में इस तरह के जंगल देखे जाते हैं जो कि अक्सर, जिसके कि जड़ अक्सर जो है आपको मिट्टी के ऊपर देखने को मिले, या फिर उसका जड़ जो है वो पानी दलदल के अंदर में देखने को मिले ताकि वो आसानी से सांस ले सके। सो ये पौधे उस जगहों पर, दलदल वाले जगहों को अपने अनुकूल बनाता है और वहाँ पर अपना सर्वाइवल करता है। ये थे आपके कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के कुछ भाग, जिस तरह के पौधे हम लोग हिली एरियाज में देखते हैं, पर्वत वाले क्षेत्रों में देखते हैं, तो ये अपने आप को कोणीय होकर, शंकुधारी होकर, ये अपने आप को वहाँ पर सर्वाइवल के लिए अनुकूल बनाते हैं। जब हम लोग दूसरे पौधों की बात करते हैं जो कि समतल क्षेत्रों में, समतल जगहों पर देखे जाते हैं, तो ये लगभग कॉमनली इनको हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग प्लांट्स और प्लेन्स की बात करते हैं तो हम लोग अपने एरियाज में कुछ पौधे को ले लेते हैं, जैसे मैंगो, बनियान, पीपल, ये सारे पौधे जो है अपने पत्ते को सालाना एक समय छोड़ते हैं।
जो कि हम लोग जाड़े के सीजन में देखते हैं, ऑटम में ये अपने पत्ते छोड़ते हैं, और इन्हीं एरियाज में, हिली एरियाज में जो पत्ते, जो पेड़ पौधे मौजूद होते हैं, जो जंगल मौजूद होते हैं, इनमें लगभग तौर पर सदाबहार पौधे भी पाए जाते हैं, जिनको एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है, क्योंकि ये सालाना अपने पौधे नहीं छोड़ पत्ते नहीं छोड़ते, पत्ते नहीं गिरते। जब हम तीसरे पौधों की बात करते हैं, तो यह प्लांट्स ऑफ कोस्टल एरियाज, जो कि अक्सर समुद्री या फिर महासागरों के किनारों में पाए जाते हैं, जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोस्टल एरियाज में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, उनमें कोकोनट्स भी होते हैं। अगर हम प्लांट्स ऑफ डेजर्ट्स की बात करें, तो ये ऐसे पौधे जो कि मरुस्थलों में पाए जाते हैं, यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल अपने अनुकूल होता है, समान होता है, दिन में बहुत अधिक और रात में बहुत अधिक ठंडा हो जाया करता है। बिल्कुल जब हम प्लांट्स ऑफ मर्सी एरियाज की बात करते हैं, तो इनकी खासियत है कि ये इस तरह के पौधे जो है, वो अपने जड़ों के द्वारा सांस लेने का काम करते हैं, क्योंकि इनके जड़ मिट्टी के ऊपर होते हैं, सोयल से ऊपर होता है, और इनको ब्रीथिंग रूट्स भी कहा जाता है। ये थे आपके कुछ टॉपिक्स, गो फॉर इट। तो गाइस, अभी तक हम लोग एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पर रहे थे, अब हम लोग इसके दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, एडेप्टेशंस इन एक्वाटिक प्लांट्स। एडेप्टेशंस इन एक्वाटिक प्लांट्स पर हम देखेंगे इसमें कितने भागों में बांटा गया है। चैप्टर के दूसरे मेन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरा मेन टॉपिक्स है एडेप्टेशन सीन। इनके दूसरे टॉपिक्स हैं, इट्स सेकेंड टॉपिक इज एडेप्टेशन सीन, एडेप्टेशन सीन एक्वाटिक प्लांट्स। Now we will study about the adaptations in aquatic plants. Aquatic regions में, पानी वाले क्षेत्रों में किस तरह से यहाँ के पौधे अपने आप को अनुकूल बनाते हैं। सो गाइस, द वर्ड एक्वा मीन्स वाटर। एक्वाटिक में दो नाम्स जुड़े हुए हैं, अगर हम लोग एक्वा प्लस टिक करें, तो फिर एक्वामिन्स होता है वाटर। तो इससे हम लोग समझ जाते हैं कि एक्वाटिक प्लांट्स की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो ये पानी वाले पौधे हैं, जो कि पानी वाले क्षेत्रों में उगते हैं। सो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स, एंड इट ऑल्सो नॉन एज वाटर प्लांट। सो दे आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स, इनको तीन भागों में बांटा गया है। अगर हम लोग एक्वाटिक प्लांट्स की बात करें, तो एक्वाटिक प्लांट्स को तीन भागों में बांटा गया है। इस एक्वाटिक प्लांट्स को तीन भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है, इसके पहले भाग हैं फ्लोटिंग प्लांट्स, FLOATING, फ्लोटिंग प्लांट्स। दूसरे हैं फिक्स्ड प्लांट्स, और अंततः तीसरे हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स। सो गाइस, एक्वाटिक प्लांट्स को, पानी वाले पौधों को तीन भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है फ्लोटिंग प्लांट्स, जो
जो पौधे पानी के ऊपर बिल्कुल फ्लोट करते रहते हैं, तैरते अवस्था में होते हैं। दूसरे पौधे हैं फिक्स्ड प्लांट्स, जो कि पानी के अंदर बिल्कुल स्थिर रहते हैं, फिक्स्ड होते हैं जड़ से। और तीसरे जो इसके पॉइंट्स हैं, सबमर्ज्ड प्लांट्स। तो जब हम लोग पहले इसके पॉइंट फ्लोटिंग प्लांट्स की बात करते हैं, तो हम लोग फ्लोटिंग प्लांट्स में अनुकूलन को देखते हैं। इनकी जो अनुकूलन की विधियां हैं, इसमें देखिए खास तौर पर इसके पहले जो मैटर्स हैं, एडेप्टेशंस इन फ्लोटिंग प्लांट्स, तो दे आर वेरी लाइट एंड स्मॉल टू मीडियम इन साइज। ये काफ़ी हल्के होते हैं और इसके साथ साथ काफ़ी छोटे भी होते हैं। दे कैन फ्लोट फ्रीली इन पूंड्स एंड लेक्स। ये आसानी से पानी के ऊपर में, झीलों या फिर तालाबों के ऊपर में आसानी से ये तैरते दिखते हैं आपको, फ्लोटिंग अवस्था में होते हैं ये। इसके दूसरे जो फीचर्स हैं, द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर फ्री फ्लोटिंग, और इनके जड़ जो होते हैं वो बिल्कुल फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं मुक्त अवस्था में। एंड द रूट्स डू नॉट टच द सोयल, और ये बिल्कुल फ्लोटिंग होते हैं लेकिन इनके जो जड़ होते हैं वह मिट्टियों से जुड़े हुए नहीं होते हैं। सो दे हैव स्टीम विथ एयर पॉकेट्स टू हेल्प इन फ्लोटिंग। और इनमें जो तना देखा जाता है, इनमें जो तना पाया जाता है, वो बिल्कुल फ्लोट करने में, बिल्कुल फूले हुए फ्लोट करने में, हल्के हो खोखले होने में होने होना। इनमें जो इनकी खास बात होती है कि ऐसे पौधों में जब एयर पॉकेट्स पाया जाता है, तो ये पौधे आसानी से पानी के ऊपर में फ्लोट करते हुए दिखते हैं। सो दिस प्लांट्स गिव शेल्टर टू स्मॉल एनिमल्स, और इनके साथ साथ जब ये पौधे पानी के ऊपर ऊपर वाले भाग में, ऊपर वाले क्षेत्र में पूरी तरह से फैले होते हैं पानी में, तो ये पौधे एक तरह से पानी में रहने वाले छोटे छोटे जानवरों को उनका आवास भी देते हैं, उनका घर भी देते हैं, ताकि वो छोटे छोटे जानवर इस फ्लोटिंग प्लांट्स के नीचे आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। तो जब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि फ्लोटिंग प्लांट्स में क्या क्या होते हैं, तो इनमें हम लोग डकवीड्स को देखते हैं। इसके साथ साथ वाटर हाइसेंथ भी होता है, जिनको कि जलकुंभी के नाम से जानते हैं हम लोग। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं फ्लोटिंग प्लांट्स के। वाटर लेट्यूस भी इन्हीं में गिना जाता है। तो ये पौधे अक्सर जो होते हैं, वह ये पौधे हमेशा ही मुक्त अवस्था में होते हैं, पानी के ऊपर पाए जाते हैं, और बिल्कुल इनका जड़ जो होता है वह जमीन से जुड़ा हुआ नहीं होता। इसके कारण पानी में फ्लोट कर रहे इस तरह के पौधे जो हैं, वह आसानी से दूसरे जानवरों को, पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीवों को, उनका एक आवास देता है, उनका एक घर देता है। सो जब हम फिक्स्ड प्लांट्स की बात करते हैं, तो ये पौधे पानी में एक जगह बिल्कुल स्थिर होते हैं। जब हम इनके अनुकूलन की बात करते हैं, तो द प्लांट्स आर रूटेड इन द सोयल एट द बॉटम ऑफ द पूंड। अगर हम झीलों या फिर तालाबों में देखते हैं फिक्स्ड प्लांट्स को, तो ये बिल्कुल इनके निचली सतह में बिल्कुल उनसे मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, स्थिर होते हैं। देयर लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो अबव द सर्फेस ऑफ द वाटर, और इनके पत्ते फूल या फिर इनमें जो फल होता है वो भाग पानी के ऊपर में देखे जाते हैं, लेकिन इनका जड़ बिल्कुल मिट्टियों से जुड़ा हुआ होता है। देयर रूट्स आर मच रिड्यूस्ड सिंस देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, और इनमें जड़ जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि इनका जो काम होता है वह बिल्कुल पौधों को एक ही जगह पर स्थिरता से बनाए रखने में मदद करता है, ताकि ये पौधे कहीं भी पानी की धार या फिर रेत में, करेंट्स में ये पौधे बह न जाए। इसीलिए ये पौधे हमेशा से ही पानी में एक ही जगह में स्थिर होते हैं। इसीलिए ऐसे पौधों को फिक्स्ड प्लांट्स में लिया गया, क्योंकि ये पौधे मिट्टी के द्वारा पानी में जुड़े होते हैं जड़ के द्वारा। दे हैव होलो स्टीम दैट हैव एयर स्पेसिस, और इनमें जो तने देखे जाते हैं वह बिल्कुल खोखले होते हैं, जिनके कारण कि आसानी से हवा जो है इनके तनों में अपना स्थान बना लेता है। द स्टीम्स आर फ्लेक्सिबल विच बेंड विद द फ्लो ऑफ वाटर। दे बियर ब्रॉड लीव्स विच अनेबल देम टू फ्लोट, और इनमें जो
पत्ते देखे जाते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं, जिनके कारण कि ये पानी में आसानी से फ्लोट करते हुए तैरते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। सो द स्टमाटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स, और इनमें पत्तों के ऊपरी भाग में स्टोमाटा देखा जाता है, छोटे छिद्र छोटे रंध्र देखे जाते हैं। द लीव्स आर ऑफ्टन कॉटेड विथ अ वैक्सी मटेरियल, और हमेशा से ही इसके पत्ते जो होते हैं वो उसके ऊपरी भाग जो होते हैं वो काफ़ी अधिक मुलायम होते हैं, चिकने होते हैं, जिनको कि वैक्सी कहा जाता है। इसके साथ साथ इट हेल्प्स टू कीप द सर्फेस क्लीन ऑफ डस्ट, और यही इसका वैक्सी नुमा वैक्सी कॉटेड जो परत होता है वह इस पर डस्ट को रोकने से या फिर गंदगी को इकट्ठे होने से रोकता है। बिल्कुल इसी इसी कारण से इनके चौड़े और बड़े पत्तों पर पानी में जो डस्ट होते हैं, जो गंदगी मौजूद होते हैं, वह इन पर रुक नहीं पाते, और इसके वैक्सी कॉटेड होने के कारण आसानी से वो डस्ट निकल जाते हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि फिक्स्ड प्लांट्स में क्या एग्जाम्पल आते हैं, तो हम लोग लोटस को देखते हैं आसानी से। जब भी हम लोग लोटस को देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि लोटस भी जो होता है वो वैक्सी कॉटेड होता है। अगर उस पर पानी डाल करके कुछ प्रयास किए जाए तो फिर आप देखेंगे कि पानी फूल वाला भाग जो होता है उसका वो इतना ज़्यादा वैक्सी कॉटेड होता है कि उस पर पानी जो है आसानी से डालने के बाद, बूंद डालने के बाद वो नीचे की ओर चला आता है, क्योंकि पानी उसमें ऑब्जर्व नहीं होते और वो नीचे की ओर फिसल के चला आता है। इनको इनके पत्तों की भी बिल्कुल वही खासियत है, काफ़ी ब्रॉड होते हैं, काफ़ी चौड़े पाए जाते हैं, और आसानी से ये अपने ऊपर रहने वाले या फिर जमा होने वाले डस्ट को उसी पानी में डुबो देते हैं और बिल्कुल अपने ऊपर रहने नहीं देते। ये फिक्स्ड प्लांट्स की कुछ खासियत हैं। इसके साथ साथ इसके तने जो हैं अक्सर फ्लैक्सिबल देखे जाते हैं, काफ़ी लचीले पाए जाते हैं काफ़ी अधिक, जिसके कारण कि ये आसानी से पानी की रफ्तार में पानी के फ्लो के साथ मुड़ सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अपना स्थान अपना जगह जहाँ पर कि ये इनका आवास है फिक्स्ड प्लांट्स फिक्स्ड वाटर में, वहाँ पर ये अपना आवास नहीं छोड़ते। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अब हम लोग सबमर्ज्ड प्लांट की बात करेंगे, जो कि बिल्कुल पानी के अंदर ही पाए जाते हैं और वहाँ पर ही ये अपने श्वसन क्रिया को अंजाम देते हैं, सांस लेने का कार्य करते हैं या फिर वहीं पर अपना विकास वृद्धि करते हैं। तो जब हम लोग सबमर्ज्ड प्लांट्स के अनुकूलन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग पाते हैं कि द स्टीम्स आर फ्लेक्सिबल एंड द लीव्स आर लॉन्ग एंड नैरो। तो जब भी हम लोग सबमर्ज्ड प्लांट्स की बात करते हैं तो इनके तने जो होते हैं वो काफ़ी अधिक मुलायम होते हैं, और इनमें लिप्स जो होता है वो काफ़ी अधिक लंबा और पतला पाया जाता है। ये अक्सर हम लोग ऐसा देख सकते हैं क्योंकि हमने हाइड्रिला और सेविट जैसे प्लांट्स को देखे हैं कि उनके पत्ते उनमें कितने अधिक पतले पाए जाते हैं। इसके साथ साथ दिस एडेप्टेशन हेल्प इज हेल्प टू विथ स्टैंड वाटर करेंट्स विदाउट गेटिंग डैमेज, और यही जो इनमें अनुकूलता है इस सबमर्ज्ड प्लांट्स को अपने पौधों को बिल्कुल समुचित रूप से एक जगह पर स्थिर रहने में और पानी के करेंट्स को रफ्तार को झेलने में काफ़ी अधिक मदद करता है, ताकि ये सबमर्ज्ड प्लांट्स जो हैं उनमें किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। इसके दूसरे जो फीडर्स हैं स्टोमाटा आर एब्सेंट इन देम, इनमें स्टोमाटा नहीं पाया जाता, जिसके कारण कि ये अपना श्वसन क्रिया पानी के अंदर में ही करते हैं। दे ब्रेथ द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर थ्रू देयर बॉडी सर्फेस, और जो इनके शरीर का जो सतह होता है उनके द्वारा ये सांस लेने का कार्य पानी के अंदर में करते हैं, क्योंकि इनमें पत्तियाँ भी बिल्कुल कम पाई जाती है और निडल पाई जाती है, पतले पाए जाते हैं। सो ये अपने सांस लेने का काम बिल्कुल अपने शरीर के सतह से करता है। अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि सबमर्ज्ड प्लांट्स में क्या एग्जाम्पल आते हैं, तो टेप ग्रास को देख सकते हैं आप, हाइड्रीला ले सकते हैं आप, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं सबमर्ज्ड प्लांट के जो कि पानी के अंदर में होते हैं।
तो बिल्कुल इनकी यही खासियत होती है कि इनमें स्टोमाटा अब्सेंट होता है, जो कि इनके सांस लेने के लिए काफ़ी आवश्यक है, लेकिन जो पौधे का जो भाग होता है पानी के अंदर में, वो भाग आसानी से जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसकी मदद से इनके शरीर के सतह के द्वारा आसानी से सांस लेने का कार्य करता है। तो ये खासियत है कुछ सबमर्ज प्लांट्स के। जब भी हम लोग एक बार इसको हम लोग दोहराते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि फ्लोटिंग प्लांट्स की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये पानी के ऊपर में पाए जाते हैं, पानी के ऊपरी सतह में, और इनका जमीनी तौर पर कोई जुड़ाव नहीं होता। बिल्कुल ऊपर में पाए जाने वाले पौधे, इनमें जो एयर पॉकेट्स पाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है इनके लिए। फिक्स्ड प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा होता है, जो कि पानी के ऊपरी सतह में अक्सर आपको देखने को मिलता है, और इनके पत्ते काफ़ी चौड़े होते हैं। इनमें जो फ्लावर्स देखा जाता है या फिर जो लिप्स देखा जाता है, पत्ते जो देखे जाते हैं वो काफ़ी अधिक वैक्सीकोटेड होते हैं, मतलब चिकने होते हैं, मुलायम होते हैं। अगर हम लोग सबमर्ज्ड प्लांट की बात करते हैं तो ये पानी के अंदरूनी बिल्कुल अंदर वाले सतह में पाए जाते हैं, और इनकी खासियत यही है कि ये प्लांट्स जो है इनमें स्टोमाटा मौजूद नहीं होता, जिनके कारण कि इनको अपने शरीर के सतह से ही सांस लेने का कार्य करना पड़ता है। तो ये कुछ टर्म्स थे एडेप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स के। यू हैव टू रिमेंबर द मेन पॉइंट्स अप टू नेक्स्ट। अगर हम लोग अगले टर्म्स की बात करें तो अब हम लोग आते हैं इधर अनयूजुअल अडेप्टेशंस। गाइस, इससे पहले मैं आपको एक टर्म बताऊंगा, वो विजडम ट्री में आता है और काफ़ी आवश्यक है हमारे लिए जानना, कि एक बोबाब ट्री जो होता है वो बोबाब ट्री ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका जैसे गर्म स्थलों पर पाया जाता है, और उनके वहाँ पर पाए जाने का जो कारण होता है कि वो पौधे गर्म स्थलों में अपने सर्वाइवल के लिए जाना जाता है। तो वो अपने गर्म स्थलों में इसलिए सर्वाइव कर जाता है क्योंकि उस पौधे की खासियत होती है कि वो अपने बोतल जैसे शरीर में काफ़ी अधिक पानी ऑब्जर्व करके रखता है, काफ़ी अधिक पानी ऑब्जर्व करके रखता है, मिनिमम अप टू 10,000 लीटर वाटर, लगभग तौर पर 10,000 लीटर पानी से भी अधिक पानी जो है वो अपने अंदर समाहित करके रखता है। तो ये खासियत है बोबाब ट्री की, और ये हमेशा ही गर्म स्थलों में पाए जाते हैं, और यही पानी जब वो अपने अंदर कई दिनों तक रखता है तो उसको उस गर्म क्षेत्र में सर्वाइव करने में काफ़ी दिनों तक आसानी होती है। तो जब भी कोई जानवर उस क्षेत्र में गर्म वाले स्थल में जीता है, अडेप्ट करता है, तो वो जानवर इस पौधे के भाग को खा करके अपने अंदर भी पानी की पूर्ति करता है, अगर उस क्षेत्रों में अगर उसे पानी ना मिले तो। ये कुछ खासियत है इस पौधे की। अब हम लोग इसके अगले टर्म्स की बात करेंगे जो कि है अनयूजुअल एडेप्टेशंस। अब आपका नेक्स्ट टर्म है अब हम लोग इसके नेक्स्ट टर्म की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे, और इसका तीसरा पॉइंट है अनयूजुअल अडेप्टेशंस। अगर हम लोग अनयूजुअल अडेप्टेशंस अगर हम लोग इसके अगले पॉइंट की बात करें अनयूजुअल अडेप्टेशंस को देखें, तो इसमें कहा जाता है असमान अनुकूलन, जो अक्सर पौधों में देखा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए बात करें तो इंसेक्टिवोरस पौधों में इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। सो गाइस, सम प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड बट दे ऑल्सो ईट इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर न्यूट्रिएंट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अपने भोजन की पूर्ति के लिए
छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों को भी अपना भोजन बनाते हैं। सो इन्हीं में से कुछ कुछ पौधे जो है उनको हमेशा ही इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में लिया गया है, जो कि बिल्कुल ये अपना न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल कीड़े मकोड़ों से ही पूरा करते हैं। तो द सोयल इन विच दे ग्रो इज डेफिशियंट इन मिनरल, जहाँ पर इस तरह के पौधे उगते हैं वह काफ़ी कम होता है, वहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। सो दे ऑब्टेन मिनरल्स फ्रॉम इंसेक्ट, इसलिए वहाँ पर अगर खनिजों की कमी होती है या पहले अपना खनिज नहीं निकाल पाते ज़मीन से, तो ये अपना खनिज उन जानवरों के द्वारा उन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा करके अपने खनिज की पूर्ति जो है अपने शरीर में करते हैं। सच प्लांट्स आर अडेप्टेड टू ट्रैप इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। ऐसे पेड़ पौधे जो होते हैं वह अपने आप को छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ना और उन्हें अपना शिकार बनाना, ये इनका कार्य होता है। दे आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इसीलिए इंसेक्ट को अपना भोजन बनाना या फिर छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों को भोजन के तौर पर इस्तेमाल करना, इसीलिए ये पौधे जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं। और इनको अनयूजुअल एडेप्टेशंस में भी लिया गया है, क्योंकि इनको किसी भी तरह की अनुकूलता की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने भोजन को जानवरों से प्राप्त करते हैं या फिर वहाँ पर जहाँ से इन्हें ज़मीनी तौर पर खनिजे प्राप्त नहीं हो पाती, वहाँ पर ये अपने खनिजों की पूर्ति जानवरों से छोटे छोटे जीवों से कर लेते हैं। तो बिल्कुल अगर हम कुछ एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स में आपको पीचर प्लांट्स, संडेव, और इसके साथ साथ जब हम वेनस फ्लाई ट्रैप की बात करते हैं, तो ये पौधे कीड़ों मकोड़ों को खाने के लिए प्रभावी होते हैं और ऐसे पौधे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग थोड़ा पीचर प्लांट्स की खासियत देख लेते हैं कि इसका स्वरूप किस तरह का होता है। सो पीचर प्लांट्स हैज होलो जार लाइक लिप्स दैट आर फिल्ड विथ नेक्टर। अगर हम पीचर प्लांट्स को देखें तो उनका जो शरीर होता है वह बिल्कुल खोखला होता है और बिल्कुल एक बोतल की तरह होता है, जो कि बिल्कुल रसों से भरा होता है। सो द लिप्स ऑल्सो हैव अ लीड, इनमें जो पत्तियां होती है, इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू नेक्टर, और इनमें जो लीड होता है, इनके जो पत्ते होते हैं जिसमें कि लीड होते हैं, वह बिल्कुल इंसेक्ट्स को नेक्टर के लिए, रस के लिए उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, शहद के लिए। सो एज सून एज एन इंसेक्ट सीट ऑन इट, जैसे ही इस पर कोई कीड़ा मकोड़ा इस पर बैठता है, द लीड क्लोजेस एंड इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड इनसाइड द लीफ। इस पौधे की यही खासियत है कि जैसे ही कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा मकोड़ा इसके ढक्कन जैसे लिप्स पे जो होते हैं उस पर जब भी बैठता है, तो ये ढक्कन जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। यही इसका एक तरह का जाल होता है वो, जो कि इसमें देखा जाता है। जैसे ही कोई कीड़े मकोड़े इस पर बैठते हैं, वो लीड जो है बिल्कुल बंद हो जाता है और वो कीड़े जो है उसके भोजन के तौर पर इस्तेमाल करता है इस पौधे को। तो द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड इन साइड द लीफ, और उसके बाद जो है आसानी से वो छोटे छोटे जीव कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो पौधा आसानी से पीचर प्लांट उसे पचा लेता है। ये उसके भोजन की या फिर उसमें ये खासियत होती है कि इस तरह से ये कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे जो हैं वह अपने अंदर पाचन का कार्य करते हैं। तो बिल्कुल जब हम वेनस फ्लाई ट्रैप की बात करते हैं, तो वेनस फ्लाई ट्रैप हैज़ लिप्स दैट आर फोल्डेड इंटू टू हाफ्स। बिल्कुल जब हम वेनस फ्लाई ट्रैप की बात करते हैं, तो इनके जो पत्तियां होती है वो उसको दो भाग में बांटे हुए होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। द मोमेंट एन इंसेक्ट सीट ऑन द लीफ, जिसी तरह से एक क्षण में ही कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा जब उस पर बैठता है, तो बैठने के बाद द टू हाफ्स क्लोज रैपिडली, और धीरे धीरे वो दो भाग जो है वो आसानी से बंद होने शुरू होते हैं। द इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड एंड इज ग्रेजुअली डाइजेस्टेड इन साइड द लीफ, और उसके बाद
वही कीड़ा मकोड़ा उस पौधे के जाल में फंस जाता है, और फंसने के बाद वो आसानी से वो पौधा जो है उस कीड़े को डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये कुछ खासियत है पीचर प्लांट्स की और वेनस फ्लाई ट्रैप की। ये दो हाफ में अगर हम पीचर प्लांट्स की, वेनस फ्लाई ट्रैप्स की बात करें तो इनकी पत्तियां जो होती है वो दो भागों में बटे होते हैं, और दो भागों में बटे होने के कारण जब भी इनके भागों में या फिर इनके बीच में कोई कीड़ा आता है तो वह उसको आसानी से अपने लीड को या फिर अपने मुंह को आसानी से उसको बंद कर लेता है, और उसके बाद वो डाइजेशन का काम करता है। ये थे अनयूजुअल अडेप्टेशन, असमान अनुकूलन, जो कि हम लोग कुछ तरह के पौधे में देखते हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को खा करके अपने कार्य को चलाते हैं, अपने जीविका को चलाते हैं। तो वैसे पौधों में पीचर प्लांट्स, वेनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू जैसे पौधे आपको देखने को मिलते हैं। सो ये थे कुछ एग्जांपल्स गाइस। अब है चार्ल्स डार्विन, 1809 टू 1882 मेड अ प्रोफाउंड स्टडी ऑफ एडेप्टेशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन प्रेज। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने अनयूजुअल एडेप्टेशंस पढ़ा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि है फंगी, जिनको कि हम फंगी कहते हैं। योर नेक्स्ट टर्म इज फंगी। अर्लियर फंगी वेयर कॉल्ड सिंपल प्लांट्स, पहले के काल में इन्हें बिल्कुल समान पौधे कहे जाते थे, बट नाउ दे आर नॉट इंक्लूडेड इन प्लांट्स एज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। लेकिन आज के काल में हम लोग देखते हैं कि इनको पौधों में नहीं लिया गया है, क्योंकि इनके अंदर पर्णहरित की मात्रा नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर पर्णहरित नहीं पाए जाते हैं, एंड दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, और इन्हीं पर्णहरित के कारण ये अपना भोजन नहीं बना पाते। तो जिन पौधों में पर्णहरित वो हरापन होता है, जिनके कारण कि पौधे हरे दिखते हैं, तो वो क्लोरोफिल का होना किसी भी पौधे में ज़रूरी है भोजन बनाने के लिए। तो इसीलिए ये जब अपना भोजन नहीं पका पाते, नहीं बना पाते, तो इन पौधों, ये पौधे दूसरे जानवरों पर या फिर दूसरे जीवों पर आधारित हो जाते हैं। जैसे दे आर फाउंड इन डैम प्लेसेस, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ये हमेशा ही गंदे वाले जगहों पर देखे जाते हैं जहाँ पर कूड़े कचरे होते हैं, और ये हमेशा ही दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं। दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स एंड ऑब्जर्व देयर न्यूट्रिएंट्स, ये दूसरे पौधों पर उगते हैं और उनके पौष्टिक तत्व को ऑब्जर्व कर लेते हैं, पौष्टिक तत्व को खींच लेते हैं। दे आर देयर फॉर पैरासिटिक, यही कारण है कि ये जो प्लांट्स हैं, फंगस जो प्लांट्स हैं, ये सभी परजीवी कहलाते हैं। यही कारण है क्योंकि यह दूसरों पर आधारित होते हैं, खुद पर नहीं होते। अक्सर जब हम पेड़ पौधों की बात करते हैं तो वह खुद पर अपनी खुद से आधारभूत होते हैं, क्योंकि खुद अपना भोजन बनाते हैं और खुद से अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन जब हम फंगी की बात करते हैं तो ये एक उस तरह का पौधा है जो दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है, और ना ही इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ताकि ये अपने भोजन को खुद तैयार कर सके। तो बिल्कुल दे ऑल्सो ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डेकिंग प्लांट्स, और ये अपने पौष्टिक तत्व जो होते हैं वह सरे गले चीज़ों से प्राप्त करते हैं। लाइक बासी भोजन, अगर हम लोग कभी अपने भोजन पकाते हैं और वही भोजन काफ़ी देर या फिर काफ़ी दिन का हो जाता है, तो उस पर हम लोग इस कवक को उगता हुआ पाते हैं, इस कवक को उगता हुआ देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसे पहचान सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि ये हमेशा ही जो सरे गले हुए चीज़ें या जानवरों के पार्ट्स, डेड बॉडीज़ या फिर पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं उस पर ये हमेशा ही उगते हुए या फिर ग्रो करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो अपना न्यूट्रिएंट्स उन्हीं सरे गले चीज़ों से प्राप्त करता है। सो दे आर देयरफॉर सैप्रोट्रॉप्स एज वेल, इसीलिए इन्हें परजीवी भी कहा जाता है। सो इसके अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो मशरूम और मॉल्स जो होते हैं ये
फंगिस के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, तो इस तरह के पौधे आप मशरूम और मॉल्स के तौर पर देख सकते हैं, जिनमें ना ही पर्णहरित पाया जाता है, ना ही इनकी खासियत है भोजन बनाने का कार्य करना। ये दूसरे जीवों पर आधारित है अपने भोजन के लिए, दूसरे जीवों पर आधारित होकर के अपने भोजन को तैयार करना इनका काम है। इसीलिए जब भी हम लोग फंगी की बात करते हैं, तो हम लोग ये पाते हैं कि मशरूम और मॉल्स जो हैं अक्सर सड़े गले चीज़ों पर उगता हुआ देखा जाता है। सो गाइस, अब हम लोग प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली की बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग उन पौधों को जो घास फैमिली से, घास वाले परिवार से जुड़ा होता है, उन पौधों की बात करते हैं। उसमें कुछ खास बातें होती है। वो खास बातें क्या होती है? दे प्रोवाइड फूड, एग्जाम्पल राइस, वेट, बाजरा, ज्वार, शुगर कैन, एक्सेट्रा। जब भी हम लोग उस तरह के पौधे जो कि घासों में गिने जाते हैं, जब हम उन पौधों की बात करते हैं, तो उनमें भी कुछ खास बातें होती है। वो खास बातें यही होती है कि कई घास घास के परिवार कई ऐसे हैं जो कि हमें भोजन प्रदान करते हैं। जैसे कि जब भी हम लोग गन्ने की बात करते हो या फिर गेहूं की बात करते हो, जब भी हम लोग चावल की बात करें, तो जब भी हम लोग बाजरा की बात करें, जब भी हम लोग मकई की बात करें, तो ये सारे ऐसे पौधे हैं जो कि घास रूपी हैं। इन्हें घास कहा जा सकता है, लेकिन यही पौधे हमें भोजन प्रदान करते हैं। तो ये घासों की एक खासियत है। अगर ये घास ना रहे तो फिर हमें भी भोजन की प्राप्ति ना हो। दूसरे, अगर घासों में हम लोग बात करें, तो बम्बू भी ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सबसे लंबा ग्रास पाया जाता है। दे आर यूज टू मेकिंग फर्नीचर्स, मैट्स, बास्केट्स, एक्सेट्रा। हम सभी जानते हैं कि अगर हम लोग बांस की बात करें, तो ये कम से कम 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर प्रतिदिन प्रति क्षण बढ़ते हैं। इनकी एक खासियत होती है। अगर हम लोग बम्बू की बात करें, तो यही बम्बू हमारे लिए घर बनाने में या फिर उसी बम्बू से कोई अपना सामान बनाया जाना, पेपर तैयार करना, ये सारे काम इन बम्बू के द्वारा तय होता है। जिस कॉपीज़ या फिर बुक्स की मदद से हम लोग पढ़ते हैं, वो कॉपी और बुक्स भी इन्हीं बम्बूज़ के ही बने होते हैं। तो बिल्कुल, जब भी हम लोग बम्बू की बात करते हैं, यंग बम्बू शूट्स आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स लाइक करी, पिकल्स, एक्सेट्रा। इट हैज़ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। और इनके साथ साथ जब हम लोग बम्बू की, बांस की बात करते हैं, तो ये भी हम लोग पाते हैं कि ये हमारे काफ़ी तरह के कार्यों में तो मदद करता ही है, घर बनाने में या फिर किसी भी तरह का फर्नीचर का कोई भी सामान तैयार करने में। तो बिल्कुल, इसके साथ साथ इसकी जो खासियत है, इनसे कुछ भोजन के तत्व भी तैयार किए जाते हैं। जब भी हम लोग पिकल्स, बम्बू पिकल्स की बात करते हैं, पिकल्स मतलब अचार, तो जब भी हम लोग बम्बू पिकल्स की बात करते हैं, तो ये काफ़ी अधिक लाभप्रद होता है। इसके साथ साथ इसी बम्बू से कढ़ी भी बनाया जाता है। और इनमें कहा जाता है कि ये काफ़ी अधिक, अगर हम लोग पौष्टिक तत्वों की बात करें, तो इनमें काफ़ी अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व मौजूद होता है। इसीलिए इनके ग्रोथ की भी अगर हम बात करें, तो ये 1 सेंटीमीटर पर डे बढ़ता है। इसी बम्बू की खासियत है कि ये 1 सेंटीमीटर पर डे ग्रो करता है। अब हम लोग अगर तीसरे तरह की घासों की बात करें, तो सम ग्रासेस आर यूज टू मेक पेपर। पेपर वॉज फर्स्ट मेड इन इजिप्ट फ्रॉम ग्रास कॉल्ड पेपिरस। अब कुछ घासें जो है, वह हमारी पेपर को बनाने में, पेजों को बनाने में ये मदद करता है। और अगर हम लोग घास के फैमिली की बात करें, तो इसमें से एक घास का परिवार ऐसा है जो कि जिसे कि पेपिरस कहा जाता है। और यही पेपिरस सबसे पहले इजिप्ट में इस्तेमाल किया गया, सबसे पहले पेपर बनाने के लिए। अगर सम ग्रासेस फैमिली आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन, एग्जांपल लेमन ग्रास। अगर हम कुछ घास फैमिली की बात करें, तो उसमें कुछ ऐसे भी घास फैमिली आते हैं जो कि हमारे लिए औषधि को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होते हैं, काफ़ी अधिक सहायक होते हैं। उसमें से आप घास को देख सकते हैं। एक घास
जो कि हो गए आपके लेमन। अगर हम लेमन की बात करें तो वो भी एक तरह का घास ही है, जो कि घास में ही आता है, ग्रास फैमिली में ही आता है, जो कि आपके लिए औषधि बनाने का कार्य करता है। सो ड्राइड ग्रास इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल एंड साइड कवर ऑफ कूलर्स। अगर हम पैकिंग मटेरियल्स की बात करें तो उसमें भी सूखे घासों का प्रयोग होता है, तो घास हमारे लिए काफ़ी अधिक तौर पर सहायक है, क्योंकि अगर हमें किसी भी वेट वाले सामानों को दूसरे जगहों तक या फिर दूरी तक पहुंचाना होता है, तो उसमें कुछ स्क्रैच या फिर उसमें डैमेज ना हो, इसके लिए हम लोग सूखे हुए घासों का प्रयोग करके उसे पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने का कार्य करते हैं। अगर हम लोग द ग्रास फैमिली हैज़ फाइबरस रूट विच होल्ड द सोयल टाइटली एंड प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट सोयल इरोशन। इसके साथ साथ अगर हम घासों की बात करें कि घासों में क्या क्या खासियत देखे जाते हैं, तो वही घास जो होते हैं वो आपको मिट्टियों के क्षरण को रोकने के लिए काफ़ी अधिक लाभकारी भी हो जाते हैं, क्योंकि जब बहुत अधिक तरह के घास होते हैं, घासों की यही खासियत होती है कि उनमें घनेदार जड़ पाए जाते हैं, घना जड़ पाए जाते हैं, जिसके कारण कि वो जब तक हमारे जमीन में मौजूद होता है तब तक वहाँ से मिट्टियों का कट पाना, चाहे वो बारिश के कारण हो या फिर हवा के कारण हो या फिर किसी भी कारण से हो, मिट्टी का वहाँ से कट पाना काफ़ी अधिक मुश्किल है। इसीलिए शायद बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अधिक मात्रा में सोयल को होल्ड करके रखता है, स्थिर रखता है, पकड़ कर रखता है, ताकि ये सोयल किसी भी कारणवश बारिश, पानी, हवा, किसी भी वजह से ये कट के, इसका क्षरण होके ये दूसरे जगह तक ना जा पाए। तो ये घास मिट्टियों को संभाले रखने में, मिट्टियों को स्थिर रखने में, एक जगह इकट्ठा रखने में काफ़ी अधिक मददगार है। इसके साथ साथ इसी घास से कुछ मेडिसिन्स तैयार किए जाते हैं। इन्हीं घासों का प्रयोग करके पेपर बनाया जाता है, जिसमें हम जानते हैं कि पेपिरस जो है एक तरह का ग्रास है, जो कि जिसका कि उपयोग इजिप्ट में किया गया और सबसे पहले वहाँ पेपर का निर्माण किया गया। उसके साथ साथ जब भी हम लोग ग्रास की बात करते हैं तो ड्राई ग्रास का यूज किया जाता है किसी भी भारी वस्तुओं को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, ताकि सूखे हुए घासों का प्रयोग करके बड़े वस्तुओं को दूसरे जगह तक दूरी को तय किया जाए, उसको बचाया जा सके। इसके साथ साथ बहुत तरह के घास ऐसे भी होते हैं जिनका के प्रयोग हम लोग अपने भोजन में करते हैं, अगर वो घास ना होते तो आज हमारा भोजन भी ना होता, क्योंकि हमारा वेट है, राइस है, बाजरा है, ये भी एक तरह के घास ही हैं, लेकिन ये घास नहीं होंगे तो हमारे भोजन हमें उपलब्ध नहीं होंगे। इसके साथ साथ शुगर केन है, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे घास हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी अलग अलग तौर पर हमारे लिए लाभदायक है, अलग अलग तौर से लाभदायक है। सो गाइस, ये थे आपके चैप्टर 4। मैं समझता हूँ आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम लोग वॉच वर्ड्स पर थोड़ा नज़र डालेंगे। इस वॉच वर्ड्स में क्या कहा गया है, सबसे पहले वॉट इज अडेप्टेशंस, द प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच एन ऑर्गेनिज्म बिकम सुटेबल टू लाइफ इन इट्स एनवायरमेंट। पर्यावरण में किसी भी जीव को अपने अवस्था में उचित होना है ना, अपने पर्यावरण को बनाना, उचित बनाना, ये उसका एडेप्टेशन कहलाता है, अपने अनुकूल बनाना। हैबिटेट, अब ये नेचुरल होम हो जानवरों का या फिर पेड़ पौधों का, वो उसका आवास कहलाता है। कनिफरस ट्री की बात करें, एक ऐसा पौधा जिसमें कि अक्सर नीडल लाइक, मतलब पतले शेप्ड में पत्तियां पाई जाती हैं, और ये कोन कोन भी छोड़ते हैं, जिन कोन की मदद से सीड्स पनपते हैं। इसके साथ जब हम मेन ग्रुप्स की बात करते हैं, अ ट्री और सर्व विच ग्रोज इन स्वाम्प्स और मर्सिस हैज मेनी रूट्स दैट ग्रोज अबाव द लैंड। अगर हम मेन ग्रुप ट्री की बात करें तो ये ऐसे पौधे हैं जो कि दलदल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि अपने जड़ों के द्वारा सांस लेने का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें ब्रीथिंग रूट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जमीन के ऊपरी वाले सतह में पाए जाते हैं, पानी के अंदर लेकिन जमीन के ऊपर। अगर हम लोग डेसिडियस ट्री की बात करें तो ये उस तरह का पौधा है जो कि अपने पत्तियों को
ऑटम के सीजन में विंटर में छोड़ने का कार्य करती है। अगर हम इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करें, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट उस तरह के पौधे हैं जो कि दूसरों पर दूसरे कीड़े मकोड़ों को खा करके अपने पेट को पालते हैं, जीने का कार्य करते हैं। इसके साथ पैरासाइट, पैरासाइट की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे जीव हैं, ये भी दूसरों पर डिपेंड है, दूसरे डेड बॉडीज जानवरों पर, सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड है, जहाँ पर कि ये पैरासाइट्स पनप सके, परजीवी पनप सके, जिसे खा करके ये अपना पेट भर सके। सो एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑफ और इन अनदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर फूड, एक उस तरह का जीव जो कि दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए आधारित हो, वो परजीवी कहलाता है। सेप्रोट्रॉफ एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेकिंग मैटर, एक उस तरह का जीव जो कि अपना भोजन सरे गले पदार्थों से निकालता है, पाता है। अब हम लेटस रिकॉल की ओर थोड़ी चलेंगे। प्लांट्स मेक सुटेबल एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स, दिस इज कॉल्ड एडप्टेशंस। सेकेंड पॉइंट, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स अंडरगो डिफरेंट एडप्टेशंस। अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल जमीनी पौधे या फिर पानी वाले पौधों की बात करें तो इन दोनों में अनुकूलता जो है वह बिल्कुल डिफरेंट होती है, अलग होती है एक दूसरे से। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट सच एज हिल्स, प्लेन्स, कोस्टल एरियाज, डिजर्ट्स, मार्शेस। अगर हम लोग जमीनी पौधे को देखते हैं तो वह हमेशा हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, मर्सी एरियाज, इन सब जगहों पर, इन सब स्थलों पर पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग अगर एक्वाटिक प्लांट्स की बात करते हैं तो एक्वाटिक प्लांट्स या फिर फ्लोटिंग होते हैं या फिर सबमर्ज होते हैं या फिर फिक्स्ड होते हैं, ये बिल्कुल पानी में ही पाए जाते हैं, चाहे वो समुद्री क्षेत्र हो, झीलों या फिर तालाबों का क्षेत्र हो, यहाँ पर देखने को मिलता है। सम ट्रीज हैव लिव्स थ्रू आउट द ईयर, दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। और कुछ पौधों की जब हम बात करते हैं तो ऐसे पौधे जो अपने जिसमें सालाना जो है सालों भर पत्ते देखे जाते हैं, जो अपने पत्ते नहीं छोड़ते या फिर उस पौधे से पत्ते नहीं झड़ते, वैसे पौधे हमेशा ये सदाबहार पौधों में आते हैं, गिने जाते हैं। और प्लांट्स फाउंड इन डिजर्ट्स हैव स्पाइन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। और जो पौधे हमेशा ही मरुस्थल में पाए जाते हैं उनमें हमेशा ही स्पाइन्स होता है, जो स्पाइन्स उसके पत्तों के वाष्प उत्सर्जन के लिए काफ़ी अधिक सहायक होता है। इसके साथ साथ मैनग्रोव प्लांट्स हैव ब्रीथिंग रूट्स दैट ग्रो अबव द सोयल टू ब्रीथ एयर। अब मैनग्रोव प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनमें सांस लेने वाले जड़ें देखे जाती हैं, जो कि अक्सर आपको ज़मीन के ऊपर में देखे जाते हैं और वहाँ से सांस लेने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्वाटिक प्लांट्स कैन बी फ्लोटिंग, फिक्स्ड और सबमर्ज्ड। सम प्लांट्स ग्रो इन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सोयल, टू फुलफिल देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट दे ईट इंसेक्ट, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अगर हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात करें तो ये अपने शरीर में न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति, पौष्टिक तत्वों की पूर्ति यूं ही नहीं करता, मतलब कीड़े मकोड़ों को खा करके अपने शरीर में उस पौष्टिक की पूर्ति करता है, क्योंकि ये पौधे जहाँ भी उगते हैं वो अपने नीड्स को, अपने रिक्वायरमेंट्स को वहाँ से वो मिनरल के द्वारा पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जहाँ पर मौजूद होते हैं वहाँ की ज़मीन में काफ़ी कम मात्रा में मिनरल्स देखा जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए वो अपने नीड्स को छोटे छोटे जीवों मतलब कीड़े मकोड़ों के द्वारा पूरा करता है। तो ये थे आपके लेसन्स। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। टेक योर पेंसिल एंड ओपन योर कॉपी टू राइट इट।
first word is adaptation. Anukulan. सेकेंड वर्ड मीनिंग इज एनवायरमेंटल, पर्यावरणीय. एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स. वी कैन से समाधान. Fourth word meaning is habitat. Habitat means avas. Fifth, irreversible. अपरिवर्तनीय. Sixth word meaning is according. के अनुसार. Seventh word meaning is terrestrial. जमीनी और जमीन पर उगने वाले. जमीनी. एट्थ वर्ड मीनिंग कनिफरस. शंकुधारी. कनिफरस मीन्स शंकुधारी. सो गाइस, दिस इज योर टोटली 8 वर्ड मीनिंग. नोट इट एंड आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट.
hills. Evergreen. Evergreen means sadabahar. Tenth word meaning is moderate. Nyantrit, ya madhya shreni ka. Nyantrit ya madhya shreni ka. Eleventh word meaning is deciduous. Patanseel ya jharne wale. Twelfth word meaning is transpiration. Vaspotsarjan. Vaspotsarjan. Tenth word meaning is fluctuation. Fluctuation. उतार चढ़ाव. उतार चढ़ाव. 14th word meaning is modified, संशोधित. Tenth word meaning is spy. Spines. Kate. Kate ya kata. This is your 15th word meaning, and your 16th word meaning is sunken, dhasa hua. संकेन धसा. सेवेंटींथ वर्ड मीनिंग इज
mercy. Daldal ya gila. The 18th word meaning is duckweed. Kaspat. Your 19th word meaning is deficient. काफी कम या कम कमी deficient कमी and your 20th word meaning is parasitic. Parasite, parjeevi. So guys, this is all your 20 word meanings here. I think you should remember it carefully. So go for it. So guys, I'm going to complete your very short answer type question after completed the word meanings. So in question number B, very short answer type questions. Your first question is, name a deciduous tree. Name a deciduous tree. You can easily find out the name of deciduous tree, because it is all around you. Mango is one of those. Your second question is, name two plants of grass family that gives us sorrel. Name two plants of grass family that gives us sorrel. Two plants of grass family that give us sorrels are rice and wheat. You can also write bajra. Your third question is,
named to insectivorous plants. Two insectivorous plants are pitcher because this is the question of very short answer type questions, that's why I'm going to write in very short. So pitcher plants and Venus flytrap or sundew. You can also write the name, short name, sundew. And your fourth question is, your fourth question is, where would you find mangrove trees? Would you find mangrove trees? We can easily find it in Sundarbans. We can find it in the forest of Sundarban. So guys, this is your four questions. Where would you find mangrove trees? We can find it in the forest of Sundarbans. I'm going for your short answer type question. And this is, question number C, short answer type. What is a habitat? Your first question is, what is a habitat? Name three habitats. What is a habitat? The place where an organism
live and survive. It's called intelligence. The place where an organism live and survive is called its habitat. It's called a habitat. The three habitats are desert, plains, water, and many more. The three habitats are desert, plains, water, etc. And what is the habitat? The place where an organism live and survive is called its habitat or a habitat. It's called its habitat. So I'm going for your second question. The second question is, what are breathing roots? What are breathing roots? What are breathing roots? What are breathing roots? The roots. Which grow above the soil and water. Two. Breathe air. The roots which grow above the soil and water to breathe air are called breathing roots. Question number third is,
Name three types of aquatic plants with an example of each. This is going to be So guys, I'm going through your question number third, and this is your question number third is name three types of aquatic plants with an example of each. Name three types of aquatic plant plants with an example of each. With an example of each. So your question is, name three types of aquatic plants with an example of each. You know that all your types of aquatic plants, the three types of aquatic plants are as given below. The three types of aquatic plant are as given below. Floating plant first. Floating plant second one is fixed plants. Third one is submerged plants. Example, floating plants, duckweed, and seaweed. Duckweed and seaweed, yes, we can say that the duckweed and seaweed. We can also say that the water hyacinth. Floating plants, lotus, and water lily. Lotus and water lily are two floating, fixed plants, and two submerged plants are tap grass and hydrilla. So guys, look at here, the three types of aquatic plants are as follow or given below.
First type of aquatic plants are duckweed and water lily. This is floating type of plants. And then fixed type of plants are floating types of plants are duckweeds and water hyacinth. And the fixed types of plants are lotus and water lily. And then submerged types of plants are tap grass and hydrilla. So this is your examples. I'm going for your question number 4. Your question number 4 is, how does a pitcher plant eat insect? How does a pitcher plant eat insects? How does a pitcher plant eat insects? A pitcher plant has jar-like leaves, jar-like leaves, that are filled with nectar. Filled with nectar and also have a lead. Oh, it's nectar it is too. Insects are attached to attracted to its nectar, and soon as an insect sit on it, the lid closes. Its lid closes. And
sacked or strapped. Eight sacks. Get trapped. Get trapped. And so, guys, your answer is a pitcher plant has hollow jar-like leaves that are filled with nectar, and it also have a lid. So insects are attracted to its nectar, and as soon as possible, the insect come on it. Its lid closes, and insects get trapped in it. So this is your question number 4th answer. Then I'm going to complete your long answer type question. This is your short type answer questions. So I'm going for your long answer type questions. Question number D. Long answer type. Questions. So it's gonna be question number 1st. Write the adapted features of plant that grow on hilly areas. Adapted features. Of plants that grow on hilly areas. Write the adapted features of plant that grow on hilly areas. The adapted features of plants grow on hilly areas. Are these trees are conical and tall. With sloping thank you.
These trees are conical and tall. The sloping shape of trees. The sloping shape of trees. Max smooth sleep. Max the snow sleep easily. Sleep up easily. They have feather stomata. These trees have needle shaped. Trees have needle shaped. The trees have needle shaped leaves and feather stomata. Stomata in it. With feather stomata. These trees have needle shaped leaves with feather stomata. Feather stomata. These trees set their lips.
throw out the ear. So guys, this is your first question's answer, that the three important topics: these trees are conical and tall, these the sloping shape of trees makes the snow slip off easily, these trees have needle shaped leaves with fibrous stomata, and then these trees such as spruce, toder, etc. do not shed their leaves throughout the year. So this is the first question answer. For your second long type question, and your second long type question is, how do desert plants prevent loss of water? How do desert plants prevent loss of water? How do they conserve water? How do they conserve water? How do desert plants prevent loss of water? How do desert plants prevent loss of water? The desert plant plants prevent loss of water the desert plants prevent loss of water by modifying its leaf leaves into spines. Spines
desert plants prevent loss of water by modifying its leaves into spines. It stores stomata deep into the leaves rather than on the surface of leaves. The spine and the stomata. Rather than on the surface of leaves. Thank you.
Tracy and its steam looks green . They conserve water with the help of its spines. They store water in the stream becomes fleshy. Streams which become fleshy. Guys, this is your question number 2 completed, and I'm going for your question number 3. Maybe it's going so long. Your question number 3 is, write the uses of plants of grass family. Write the uses of plants of grass family. The uses of plants of grass family. The uses of plants of grass family are as follow. We do use rice, wheat, bajra,
sugar cane, acerals, some plants, of grass family, is used to make paper, like bamboo, and papyrus. Some plants of grass family, some plants of grass family, is used as and many more. Guys, here you look at that, the right, the uses of grass family, use of plants of grass family. The uses of plants of grass family are as follow. Some plants of grass family is used as medicine, like lemon, you also know that. And some plants of grass family is used as cereals. Some plants of grass family is used to make papyrus, used to make paper like papyrus and the bamboo. Grass is helpful in many ways to reduce soil erosion and in side covering of coolers and anything in the protection. So this is your question number third. I'm going for your question number fourth. And your question number four is, how do fungi obtain their food?
How do fungi obtain their food? कवक अमीबा अपने भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? सो फंगी डस नॉट हैव Does not have chlorophyll. So, they can't. Their food. They depend on other organisms to absorb their nutrients. They depend on other organisms and dead or decaying plants, other organisms to absorb their nutrients. They observe nutrients from So guys, this is your last long answer type question and it is going to be completed. So fungi does not have chlorophyll, so they can not prepare their own food. They depend on other organisms to absorb their nutrients. They absorb nutrients from dead and decaying plants and dead bodies of animals or other organisms. So your chapter
Number four is completed. You have to prepare all those objective questions in your chapter four, and you have to learn their its definition of your chapter four, all the definition of your chapter four. So you should work hard and try to be